गांव से लेकर शहर तक आज भारतीय रेलवे देश के कोने कोने तक अपना जाल बिछा चुका है। हर आम भारतीय नागरिक के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए रेलवे सबसे पॉपुलर मीडियम बन चुका है। रेलवे का सफ़र सुरक्षित होने के साथ साथ काफ़ी आरामदायक भी होता है। यही कारण है कि लोग अन्य वाहनों के अपेक्षा ट्रेन से सफ़र करना पसंद करते हैं। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के लिए समय समय पर नियमों में कई बदलाव भी करता है। इन दिनों रेलवे तेजी से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। इसी क्रम में रेलवे ने सेमी हाइट स्पीड ट्रेन वंदे भारत का भी संचालन शुरू कर दिया है, जहां आप 1, 2, 5, 10 सीटों पर या अपनी ज़रूरत के हिसाब रिजर्वेशन कराकर अपनी सीट पक्की करते हैं और डिब्बे के क्लास के अनुसार अमाउंट पे करते हैं। कभी कभी तो पूरी की पूरी बारात भी ट्रेन से जाती है, जिसके लिए लोग पूरा डिब्बा ही बुक करा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप सिर्फ ट्रेन का एक डिब्बा ही नहीं बल्कि पूरी ट्रेन भी बुक करा सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शायद आपको इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं होगी, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे ज़रूरत पड़ने पर आप पूरी ट्रेन भी बुक करा सकते हैं। दरअसल पूरी की पूरी ट्रेन को बुक करने के लिए रेलवे के इस व्यवस्था को फुल टैरिफ रेट बुकिंग कहा जाता है। इस व्यवस्था के तहत कोई व्यक्ति, संस्था, फिर कोई राजनीतिक दल पूरी ट्रेन बुक करा सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो किसी ट्रेन में अपना एक डिब्बा भी जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको रेल मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम RCTC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ पैसे भी चुकाने होंगे। वहीं FTR रजिस्ट्रेशन को लेकर आपको बता दें कि इसके लिए सबसे पहले आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करने में सहज नहीं हैं तो यात्रा की शुरुआती स्टेशन पर जाकर भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पर आपको अनरिजर्व टिकट या जनरल टिकट की खिड़की पर जाना है। FTR रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यह अधिकतम 6 महीने तक वैलिड रहता है। आपको जिस दिन ट्रेन चाहिए होगी उससे कम से कम 30 दिन पहले आपको FTR रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। वहीं ऑनलाइन बुकिंग को लेकर आपको बता दें कि IRCTC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपसे कई तरह की जानकारी मांगी जाएगी। जैसे बताना होगा कि बुकिंग टाइप क्या है और ट्रेन में कौन कौन कोच चाहिए। इसके बाद आपको FTR रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी। इसके बाद आपको एक बुकिंग रेफरेंस नंबर मिलेगा और रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा कराना होगा। ध्यान रखें कि रेफरेंस नंबर जनरेट होने के 6 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन अमाउंट जरूर जमा करा दें, नहीं तो आपकी पूरी प्रक्रिया फेल हो जाएगी। वहीं स्टेशन से बुकिंग करने के लिए आपको यात्रा शुरू होने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर या चीफ बुकिंग सुपरवाइजर को FTR बुकिंग के लिए एक रिटर्न रिक्वेस्ट देनी होगी। चीफ बुकिंग सुपरवाइजर FTR सिस्टम में आपसे ली गई जानकारी को फीड करेगा और एक सिस्टम जनरेटेड स्लिप देगा जिसमें रेफरेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन अमाउंट लिखा होगा। इस अमाउंट को आपको वहीं काउंटर पर जमा कराना होगा। आपको बता दें कम से कम 18 डिब्बे और अधिकतम 24 डिब्बों की ट्रेन बुक की जा सकती है। इनमें 2 SLR यानी गार्ड के डिब्बे भी शामिल होते हैं जो ट्रेन के आगे और पीछे लगाए जाते हैं। 18 डिब्बे की ट्रेन की 7 दिन की बुकिंग के लिए आपको करीब 9 लाख रुपए जमा करने होंगे। अगर आपको भी ज़रूरत पड़े तो आप भी पूरा का पूरा ट्रेन भी बुक करा सकते हैं। धन्यवाद।